तो चलो आज बनाते हैं लौकी के कोफ्ते। तो चलो इसकी रेसिपी देख लेते हैं। यहाँ मैंने आधी लौकी ली है, उसको अच्छी तरह से पील कर दिया है और इसको ग्रेट कर देना है। ग्रेट करने के बाद उसमें थोड़ा सा नमक डाल के हमें इसको 30 मिनट तक रखने देना है ताकि लौकी से पानी अलग हो जाए। और हमें इस तरह से पानी सारा लौकी से निकाल देना है अच्छी तरह से। और पानी निकालने के बाद इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन मिर्च की पेस्ट, फिर डालेंगे काली मिर्च, रेड चिल्ली पाउडर, गरम मसाला, धनिया जीरा पाउडर, हल्दी, धनिया और कॉर्नफ्लावर, और थोड़ा सा डालेंगे बेसन। और इसको मिक्स करके इसके छोटे छोटे हम बॉल्स बना देंगे। और बॉल्स बनाने के बाद हमें एक कढ़ाई में तेल लेना है, तेल को अच्छी तरह से गर्म होने देना है। और बाद में इसमें हम अपने कोफ्ते डाल देंगे और इसको अच्छे से हम गोल्डन फ्राई कर लेंगे। यहाँ हमारे कोफ्ते बनके रेडी हो गए। चलो अब हम ग्रेवी बनाते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए सेम कढ़ाई में हमें थोड़े से गरम मसाले डालने हैं, थोड़ी सी हींग डालनी है। और गरम मसाले डालने के बाद हमें थोड़े से प्याज डालने हैं और अच्छी तरह से भून लेना है। और फिर डालना है अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। और उसके बाद हम मैंने यहाँ एक टोमेटो की प्यूरी बना ली थी और उसको अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। बाद में हम सारे मसाले डालेंगे। ये हल्दी पाउडर डाला है मैंने, धनिया जीरे का पाउडर, थोड़ा सा नमक, गरम मसाला और रेड चिल्ली पाउडर डालकर हमें अच्छे से थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना है और ढक के थोड़ी देर इसे पका देना है। और देखो यहाँ पर हमारी ग्रेवी बनकर रेडी हो गई है। अब हमें यहाँ पे हमारी लौकी के कोफ्ते डाल देंगे और ऊपर से थोड़ा सा धनिया डालकर अच्छे से हमें इसे मिक्स कर देना है। तो तैयार है हमारे लौकी के कोफ्ते। आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। देखने के लिए थैंक यू।